हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग टैप और डाई की स्टडी कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने टैप की डिटेल्ड स्टडी की है। आज के वीडियो में हम डाई की स्टडी करेंगे और आज के वीडियो में हम जानेंगे डाई का परिचय, डाई का कंस्ट्रक्शन, डाई के द्वारा थ्रेड काटने की मेथड, डाई के प्रमुख प्रकार एवं उनके कार्य तथा डाई स्टॉक के प्रकार एवं उनके कार्य। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बोल्ट, स्टड एवं पाइप कुछ ऐसे टूल्स या डिवाइसेस हैं जिन पर बाहरी थ्रेड्स बनी होती हैं। किसी भी रॉड या पाइप या शाफ्ट पर बाहरी थ्रेड्स बनाने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। डाई में वी शेप की स्टैंडर्ड थ्रेड होती हैं एवं कटिंग एज बनाने के लिए फ्लूट्स भी बनाए जाते हैं। डाई गोल अथवा चौकोर हो सकती है जिसके अंदर थ्रेड्स बनी होती हैं। डाई के एक तरफ की थ्रेड्स कुछ चैम्फर की होती हैं ताकि वह अपनी साइज की छड़ पर आसानी से कट प्रारंभ कर सके। डाई प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। इनको हार्ड एवं टेम्पर भी किया जाता है। इसके साथ साथ डाई को टूल स्टील या अलॉय स्टील से भी बनाते हैं। डाई को घुमाने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि डाई के द्वारा थ्रेड काटते समय हमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने चाहिए। रॉड जिस पर की थ्रेड काटनी है उसकी साइज के अनुसार ही सही साइज की डाई का चयन करना चाहिए। रॉड के किनारे को थोड़ा सा चैम्फर कर लेना चाहिए ताकि डाई उस पर आसानी से बैठ सके। डाई को हमेशा बिल्कुल सीधा चलाना चाहिए। डाई को हमेशा आधा चक्कर आगे एवं आधा चक्कर पीछे चलाना चाहिए। कार्य के उपरांत डाई को अच्छी तरह साफ करके एवं ऑयल या ग्रीस लगाकर रखना चाहिए। आइए जानते हैं डाई के प्रकारों के बारे में। डाई बहुत से प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार हम यहां डिस्कस करेंगे। पहली डाई है सॉलिड डाई। यह डाई एक ही पीस में बनी होती है एवं इसकी साइज फिक्स रहती है। इसकी साइज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता एवं एक ही प्रकार की सेटिंग में पूरी थ्रेड बनाई जा सकती है। सॉलिड डाई का प्रयोग मुख्यतः पुरानी व खराब हुई थ्रेड्स को बनाने में या सुधारने में किया जाता है। अगली डाई है स्प्लिट डाई। यह भी सॉलिड डाई की तरह होती है परंतु इसमें साइड में कट होता है। इसे डाई स्टॉक में लगे सेट स्क्रू द्वारा कसकर एडजस्ट किया जाता है। अगली डाई है एडजस्टेबल डाई। यह डाई मुख्यतः दो पीसेस में होती है। इन पीसेस को बिट्स कहते हैं। इन बिट्स को डाई स्टॉक में फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। एडजस्टेबल डाई की साइज को एडजस्ट किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः बड़े साइज की थ्रेड्स काटने में होता है। इसके द्वारा पूरी गहराई में थ्रेड्स काटने के लिए 2 से 3 बार प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अगली है डाई नट। यह भी सॉलिड डाई की तरह होती है। इसकी आकृति स्क्वायर या हेक्सागोनल नट की तरह होती है। इसके द्वारा थ्रेड्स काटने के लिए हम स्पैनर का प्रयोग करते हैं, यानी इसके लिए डाई स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती। डाई नट को स्पैनर के द्वारा घुमाकर ही थ्रेड्स काटी जा सकती हैं। अगला है डाई प्लेट। यह हाई कार्बन स्टील की बनी एक प्लेट होती है जिस पर अलग अलग साइज के डाई होल होते हैं। प्रत्येक साइज के स्क्रू के लिए इसमें 3 डाई या होल होते हैं जिन्हें क्रमशः चलाकर पूरी लंबाई में थ्रेड्स बनाई जाती हैं। इसका प्रयोग अधिकतर 3 mm से कम साइज की थ्रेड्स बनाने में होता है। अगली है पाइप डाई। पाइप डाई भी 2 या 4 पीसेस में बनी होती हैं, जिनकी सहायता से अलग अलग साइज के पाइपों में थ्रेड्स काटी जा सकती हैं। अगली है चेसर डाई। इसमें भी 4 या 6 बिट्स होती हैं।
इनका प्रयोग मुख्यतः ऑटोमेटिक मशीन्स में होता है। अगली है एक्रॉन डाई, यह बॉक्स टाइप की डाई है जिसका प्रयोग मुख्यतः गहराई में थ्रेड्स काटने में होता है। आइए अब जानते हैं डाई स्टॉक के बारे में। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया था कि थ्रेड्स बनाने के लिए डाई को जिस डिवाइस में पकड़कर हम घुमाते हैं उसे डाई स्टॉक कहते हैं। डाई स्टॉक में डाई को एडजस्ट करने के लिए सेट स्क्रू लगे होते हैं एवं इसमें दो हैंडल होते हैं जिन पर नर्लिंग की होती है, जिनकी सहायता से इसे आसानी से हाथ से पकड़कर घुमाकर थ्रेड्स काटी जा सकती हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के डाई स्टॉक प्रयोग किए जाते हैं, सॉलिड डाई स्टॉक, एडजस्टेबल डाई स्टॉक एवं रैचेट टाइप डाई स्टॉक। सॉलिड डाई स्टॉक एक ही पीस में होती है एवं इसकी साइज फिक्स रहती है। एडजस्टेबल डाई स्टॉक दो पीसेस में बनाई जाती है एवं इसमें अलग अलग साइज की डाई को पकड़ा जा सकता है। रैचेट टाइप डाई स्टॉक रैचेट हैंडल की तरह कार्य करती है एवं इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से थ्रेड्स काटी जा सकती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी डाई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम रीमर की स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।